खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में कानून व्यवस्था के मद्देनजर चलाया गया अभियान, 24 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्रा ने दी जानकारी। सुल्तानपुर व्यापार मंडल नवागत एसपी का किया गया स्वागत। व्यापारियों को समस्याओं से निजात दिलाने को दिया गया आश्वासन। कई अधिकारीगण एवं कई कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। सुल्तानपुर पंचायत चुनाव के मतगणना तक जिलाधिकारी ने 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट किए नियुक्त। सुल्तानपुर में सेवानिवृत्त एवं पुलिस कर्मियों को दी गई भावभीनी विदाई। एसपी कार्यालय पर सम्मानित कर दिया गया प्रशस्ति पत्र। कई अधिकारीगण एवं कई पुलिस के अधिकारीगण भी रहे मौजूद। सुल्तानपुर पुलवार पुलिस टीम द्वारा 2 व्यक्तियों के खिलाफ की गई जिला बदर की कार्रवाई। कोटिया गांव में पुलिस ने कराई मुनादी। जैसीपुर पंचायत चुनाव के मद्देनजर द्वारिकागंज चौकी प्रभारी टीम के साथ कटका सिमरी मोड़ पर चलाया वाहन संघन चेकिंग अभियान। सुल्तानपुर में चलाया गया वाहन संघन चेकिंग अभियान। ट्रिपल सवारी, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट वाले वाहनों को काटे गए चालान। बल्दीरा पारा चौराहे पर बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित नर्सिंग होम को स्वास्थ्य विभाग टीम ने किया सील। जयसिंहपुर चांदपुर में सूबे का पूर्वा में अज्ञात कारणों से लगी आग। सूचना पर लेखपाल ने किया आलंकन। राहगीरों की मदद से आग पर पाया गया काबू। जब तक राहगीर आग बुझाते तब तक बहुत से सामान जलकर हो गए खाक। जयसिंहपुर सिमरी में विद्युत विभाग द्वारा एकमुख समाधान योजना का कैंप का हुआ आयोजन। 4,78,000 का बिल हुआ जमा। बल्दीरा पूरे पंडित आचार्य गांव में अज्ञात कारणों से रात में घर में लगी आग से गृहस्थी जलकर हुई खाक। ग्रामीणों ने बुझाई आग। कादीपुर सूरापुर में जेई निर्देशन पर चलाया गया विद्युत चेकिंग अभियान। कादीपुर अखंड नगर पहुंचे कादीपुर के विधायक राजेश गौतम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। बल्दीरा पारा बाजार में तहसील मुख्यालय को जाने वाली रोड पूरी तरह से है बदहाल। जिम्मेदार लोग नहीं दे रहे ध्यान। आए दिन होता रहता है हादसा। लम्बुआ में पंचायती चुनाव के नामांकन पत्रों की हुई लम्बुआ चांदा स्थित चंद्रभान देवी सेवी पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई के तहत 7 दिवसीय विशेषज्ञ शिविर का हुआ आयोजन। बल्दीरा ब्लॉक मुख्यालय पर प्रत्याशियों के द्वारा खरीदे जा रहे नामांकन पत्र। प्रत्याशियों की लगी भीड़।